पद्मा मैम, सुब्रमण्यम सर, एनी मैम, अरुणा मैम, सुरेखा मैम, पद्मजा मैम, शिक्षकगण और छात्रों को मेरा प्रणाम। आज हम सब यहाँ हिंदी दिवस मनाने के लिए एकाग्रित हुए हैं। चाहत, क्या तुम्हें पता है कि हम हिंदी दिवस क्यों मनाते हैं? नहीं, पर यह तो मुझे भी नहीं पता, तो यह जानकारी जाननी बहुत ज़रूरी है क्योंकि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, तो हमें यह बताने आ रही है जैनी। नमस्ते, मैं जैनी आप सबको हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। आप सब जानते हैं कि हम हिंदी दिवस क्यों मनाते हैं, तो आइए मैं बताती हूँ। दरअसल आज़ादी के 2 साल बाद 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने एक मत से हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया। इस निर्णय के बाद हिंदी को हर क्षेत्र में प्रचारित करने के लिए राष्ट्रभाषा प्रचार समिति ने 1953 में यह निर्णय लिया कि हिंदी को 14 अगस्त हर साल हिंदी दिवस मनाए जाने के रूप में मनाया जाए। हिंदी को बढ़ावा देने और राष्ट्रभाषा का दर्जा दिलाने के लिए भी हिंदी दिवस मनाया जाता है। धन्यवाद। यह हमें बताता है कि हिंदी दिवस कितना महत्वपूर्ण है। चाहत, आज का दिन तुम्हारा कैसा चल रहा है? आज का मेरा दिन तो बड़ा बुरा चल रहा है निष्ठा। अच्छा, कोई बात नहीं, तुम्हारे और यहाँ बैठे सभी के होठों पे हंसी लाने के लिए आ रहे हैं रीत और क्रियान अपनी एक हसमुख कविता प्रस्तुत करने, तो तालियों से उनका स्वागत करते हैं। क्रियान, तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं भी तेरे साथ कविता में हूँ, भूल गया क्या? हाँ हाँ, लगता है मेरी याददाश्त कमज़ोर हो गई है। क्या आप लोगों को पता है मैं क्रियान, मैं रीत, हम दोनों आज इधर आपको हंसाने के लिए और आपका टेंशन दूर कराने के लिए एक हास्य कविता लेके आए हैं। चलिए शुरू करते हैं। सफर पे चले हैं मिस्टर खोटे, पहन कर बूट पैरों में मोटे। साथ चले हैं रामू काका, हाथ में है उनके साहब का छाता। साहब बोले सुन बे रामू, देखना चाहता है संडे को जू। रामू बोला जू भी कोई देखने की चीज है भला। मेरी बीवी रोज निकाले बालों से खींच के। हंसते हुए जाते साहब अपने आप। उस दिन से छोड़ अंग्रेजी का साथ, रामू से करने लगे हिंदी में बात। धन्यवाद। धन्यवाद। वाह, वाकई अच्छा था। यह तो कुछ भी नहीं, अभी आगे आगे देखो होता है क्या। अभी हमारे सामने कुछ छात्र एक मन लुभाने वाला गीत प्रस्तुत करने जा रहे हैं। चलिए सुनते हैं। Oh,
इस गीत को सुनकर तो मेरा दिल गार्डन गार्डन हो गया। निष्ठा, क्या तुम्हें पता है हम इंग्लिश को हिंदी में क्या बोलते हैं? हाँ, अंग्रेजी। और हिंदी को? और हिंदी को हम हिंदी ही कहते हैं, पर यह क्यों? मैं इससे यह कहना चाहती हूँ कि हिंदी सबसे अनोखी भाषा है और इसी भाषा पर एक कविता सुनाने आ रहा है हितेश। मैं हितेश आप सबको हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इस अवसर पर मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। हिंदी हमारे आन है, हिंदी हमारे शान है, हिंदी हमारी चेतना वाणी का शुभ वरदान है, हिंदी हमारी वर्तनी, हिंदी हमारे व्याकरण, हिंदी हमारी संस्कृति, हिंदी हमारी आचरण, हिंदी हमारी वेदना, हिंदी हमारा गान है, हिंदी हमारी चेतना वाणी का शुभ वरदान है, हिंदी हमारा आत्म है भावना का साज है, हिंदी हमारे देश की हर तोतली का आवाज है। इस कविता ने तो मेरा दिल छू लिया। अभी आया वो पल जिसका मेरे को बेसब्री से इंतजार था। वो कहते हैं ना, एकता विविधता में है, ना कि समानता में। हाँ, यहाँ अलग धर्म, अलग जाति, अलग भाषा और अलग सोच के लोग एक साथ रहते हैं। हमारे देश में जो एकता और प्रेम है वह किसी भी देश में नहीं। हाँ, अभी हमारे देश की इसी एकता को प्रदर्शित करने के लिए आ रहे हैं कुछ छात्र अपना एक नाटक प्रस्तुत करने के लिए, जिससे वे हमारे देश की महानता का संदेश देंगे। अरे, इंतजार किस बात की है, चलिए देखते हैं। भारत माँ, आप कहाँ हो आप? हम सब अच्छे हैं। दोस्तों, क्या आप सब मेरे प्यारे बच्चों से मिले हो? नहीं ना, आज मैं इनका परिचय तुमसे करवाती हूँ। पहले मिले मेरी बेटी गुजराती से। सुपा छाओ, मैं गुजराती छे, तमे केम छो? मैं मजा में, धन्यवाद। अब मिलिए मेरी अगली बेटी राजस्थानी से। नमस्ते, मू मारवाड़ी, आप की कनो? मू ठीक हूँ। राजस्थान री भाषा मारवाड़ी है। राजस्थान में 8 लाख थी पन वधारे जना मारवाड़ी बोले है। आप थी मलेन मन अच्छू लागू, धन्यवाद। अब मिलिए मेरी अगली बेटी मलयाली से। नमस्कार, നമസ്കാരം. ഞാൻ മലയാള ഭാഷനെ എല്ലാവർക്കും സുഖമാണോ? എനിക്ക് സുഖമണേ, കണ്ടതിൽ സന്തോഷം, നന്ദി. അബ് മിലിയേ മേരി അഗ്ലി ബേട്ടി ഒഡിയാസേ. നമസ്കാർ, മോരാ നാമ ഒഡിയ, തും കെമെത്തി അച്ഛ, ഹം ഭല അച്ഛി, അപ്പനകു ഭേത്തി ഭാല ലാഗില, ധന്യവാദ്. അബ് മിലിയേ മേരി അഗ്ലി ബേട്ടി ആന്ധ്രാസേ. అందరికీ నమస్కారం. నేను మీ తెలుగు భాషని. స్నేహితులారా, అందరూ బాగున్నారా? నేను చాలా బాగున్నాను. మిమ్మల్ని కలవడం నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది, ధన్యవాదాలు. మరాఠీసే. నిర్వాణ నమస్తే. మీ మరాఠీ హే, తుమ్హీ సంగతి కెసే ఆహాత్, మీ టీక్ హో, సాంగ్ల వాట్ల తుమ్మిస్నిన్ బేటన్, ధన్యవాద్. अब मिलिए मेरी अगली बेटी बंगाली से. नमस्कार, अमी बंगाली, तुम्हें क्या मनाचो? अमी भालो आची, धन्यवाद. अब मिलिए मेरी अगली बेटी तमिल से. एनन परकम अने अने वरकम वनकम, नन तमिल मोरी, नन तमिल मोरी, एपुडे इरुक, नन नल्ला इरुक, நன்றி. அப் மிலியே மேரி பேட்டி போஜ்புரி சே. நமஸ்தே, ஹம் போஜ்புரி ஹுய், ஹம் டிக் பானி, கா ஹால் பா, ருவா மில்கே, பகுத் அச்சா லகா, தன்யவாத். அப் மிலியே மேரி பேட்டி கஷ்மீரி சே. நமஸ்கார், बहु चुस कोशुर तो ही चिवा वारे, मी सपुंज कोशित वाहु मिलित सौ करिया. अब मिलिए मेरी अगली बेटी कनाडा से. एल्लार्गू नमस्कार.
ನಮಸ್ಕಾರ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕನ್ನಡ ದೇವಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ನಾನು ಮಾತ್ರ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಧನ್ಯವಾದಗಳು नया दोस्त आया है ये हमारे नए दोस्त से हाय हेलो एवरीबॉडी आई एम इंग्लिश लैंग्वेज हाउ आर यू ऑल आई एम फाइन आई एम वेरी अट्रैक्टेड टू इंडियन कल्चर आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इन इंडिया हाँ बच्चा क्यों नहीं माँ के प्यार के लिए माँ के प्यार अपने बच्चों के लिए समान होता है माँ अपने बच्चों से बहुत प्यार करती है आ जा माँ आप किसे ढूंढ रहे हो मैं अपनी सबसे प्यारी बेटी को ढूंढ रही हूँ आपकी प्यारी बेटियाँ तो हम है ना हाँ बच्चों आप सब मेरे प्यारी बेटियाँ हैं आपके साथ भारत के अन्य भाषाएं भी मुझे प्यारे हैं लेकिन मेरी सबसे प्यारी बेटी तो मुझे मिली नहीं कौन है वो आप किसकी बात कर रहे हो जिसकी सादगी मेरी शान है जिसका भोलापन मेरा अभिमान है जिसके सुंदर अक्षरों पर मुझे नाज है वही मेरी बेटी मेरी पहचान है अच्छा आप हिंदी की बात कर रहे हो हाँ मैं अपनी प्यारी बेटी हिंदी को ही ढूंढ रही हूँ कहाँ है वो आ गई मेरी प्यारी बेटी इन सब लोगों को अपना परिचय दीजिए नमस्कार दोस्तों कैसे हो आप सब मैं अच्छी हूँ मैं आपकी हिंदी भाषा हूँ मैं भारत की राजभाषा और राष्ट्रभाषा हूँ मैं भारतीयों की सांसों में बसी भाषा हूँ आज़ादी की लड़ाई में मैंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है देश को एकता के सूत्र में बांधने का कार्य मुझसे ही साध्य हुआ है मेरी लिपि देवनागरी है इसमें जो लिखा जाता है वही पढ़ा जाता है 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान ने मुझे राजभाषा के रूप में गौरवान्वित किया है तब से हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं और हर साल 10 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है कि वह हिंदी सीखे और देश की एकता बढ़ाए धन्यवाद भले की मैं गुजराती हूँ भले ही मैं राजस्थानी हूँ भले ही मैं मलयाली हूँ भले ही मैं ओडिया हूँ भले की मैं आंध्र प्रदेश हूँ भले ही मैं मराठी हूँ भले ही मैं बंगाली हूँ भले ही मैं तमिल हूँ भले ही मैं भोजपुरी हूँ भले ही मैं कश्मीरी हूँ भले ही मैं कन्नड़ा हूँ लेकिन हम सब की सांप्रतिक भाषा हिंदी है हम सबको हिंदी भाषा से प्यार है धन्यवाद वाकई हमारा भारत देश कितना महान है जिसमें सभी धर्म जाति और संप्रदाय के लोगों को अपनाकर हम सब एक साथ एक परिवार की तरह रहते हैं हाँ इसलिए मैं कहती हूँ और कहती रहूँगी मेरा भारत महान तो चलिए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसमें एक शब्द के अनेक मतलब है और एक शब्द से कई बातें की जा सकती है तो हमारे सामने आ रहे हैं तनुषा मित्या और श्रेया उनकी कुछ कविताएं प्रस्तुत करने के लिए सबको नमस्कार मैं तनुषा 8वीं कक्षा की छात्रा हूँ आज हम आपके सामने एक छोटी सी कविता को प्रस्तुत करने जा रहे हैं हिंदी मेरा ईमान है हिंदी मेरी पहचान है हिंदी हूँ मैं वतन भी मेरा प्यारा हिंदुस्तान है
बड़े चलो हिंदी की डगर, हो अकेले फिर भी मगर, मार की खांटे भी देखना, फूल बन जाएंगे पथ पर। जिन जिन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी, जिसने पूरे देश को जोड़ रखा वो मजबूत धागा है हिंदी, हिंदुस्तान की गौरव गाथा है हिंदी, एकता की परंपरा है हिंदी, हिंदी ने काल जीत लिया, सरल शब्द में कहा जाए तो हिंदी की परिभाषा है हिंदी। वाह मित्या, क्या कविता सुनाई है, पर मेरी तुमसे भी अच्छी है। देखेंगे, शुरू तो कर लो। हिंदुस्तान की शान है हिंदी, हिंदुस्तानी की पहचान है हिंदी, एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी, हर दिल का अरमान है हिंदी, हिंदी है तो है हम, बिन हिंदी हम क्या हैं, हिंदी से बढ़ती देश की शान। यूं तो और भाषाएं हैं, पर राष्ट्रभाषा के माथे की बिंदी है ये हिंदी। आप सबको हिंदी के बारे में एक विशेष बात बताते हैं। हिंदी का पहला अक्ष हिंदी, हिंदी से हिंदुस्तान और हिंदी से हिंदी, आप चाहे किसी भी और शब्द को ले लो। जैसे इंग्लिश, इंग्लिश का पहला अक्षर ई, ई से इंडिया आता है नहीं, और मान लो आप तेलुगु ले रहे हैं, तेलुगु का पहला अक्षर तो से आता है भारत नहीं, तो हुई ना भारत, हिंदी एक राष्ट्रभाषा। धन्यवाद। आप सबको हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। निष्ठा, क्या तुम्हें पहेलियां पसंद है? हाँ, और तुम्हें? मुझे भी पसंद है। क्या आप सबको भी पसंद है? तो अभी आ रही है तन्मयी आप सबके दिमाग की परीक्षा लेने कुछ पहेलियों के साथ। सबको मेरा नमस्कार। पहले हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। आठवीं कक्षा तुलिप की मैं तन्मयी आप सब से कुछ पहेलियां पूछने चाहती हूँ। ऐसा कौन सी चीज है जो पानी पीते ही मर जाती है? जवाब है प्यास। दूसरा, ऐसी कौन सी चीज है जिसकी आंखों में अंगुली डालो तो वह अपना मुंह खोल देती है? जवाब केंजी। वह क्या है जिसके पास एक आंख है फिर भी वह देख नहीं सकती है? वह क्या है जिसके पास एक आंख है फिर भी वह देख नहीं सकती है? जवाब सुई। वह क्या है जो हमेशा बढ़ती रहती है लेकिन कभी कम नहीं होती है? जवाब उम्र। ऐसी कौन सी चीज है जो ठंड में भी पिघलती है? जवाब मोमबत्ती। मुझे इस मौका दिए गुरुजनों का धन्यवाद देती हुई आपसे विदा ले रही हूँ। जय हिंद, जय हिंदी। इस कार्यक्रम की समाप्ति के लिए एक दोहे वीक्षा एक दोहा लेकर आ रही है। अगर वह दोहा गुरु की महानता के बारे में होता तो कितना अच्छा होता। अब वीक्षा एक दोहे के साथ हमारे सामने आ रही है। नमस्ते, पहले सभी को हिंदी दिवस के शुभकामनाएं। सातवीं कक्षा कार्नेशन विभाग की मैं वीक्षा आज हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर हिंदी का एक महान कबीरदास जी का एक दोहा और उसका भाव बताना चाहती हूँ। दोहा, गुरु गोविंदो वो कड़े काके लोगो पाए, बलिहारी गुरु अपने गोविंदियो बताए। इसका भाव है, अगर हमारे सामने गुरु और भगवान दोनों प्रत्यक्ष होने पर हमें पहले किसका प्रणाम करना चाहिए? हमें पहला गुरु का ही प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि उसे गुरु के द्वारा ही हमें पता चलता है कि भगवान है।
अगर वह गुरु नहीं होते तो हमें भगवान के बारे में पता नहीं चलता, इसलिए हम पहले गुरु का आदर करना चाहिए। इस उम्मीद से मुझे यह मौका दिए गुरुजनों का धन्यवाद देती हूँ। आप सबसे विदा ले रही हूँ। जय हिंद, जय हिंदी। अरे सुन निष्ठा, कहाँ जा रही है? हमें उन लोगों को भी तो धन्यवाद देना है जिन्होंने हमें एक दिन में यह सब सिखाया। तो आदरणीय श्रीमती अरुणा स्वयं प्रभा जी, महोदया श्रीमती रंजना जी, महोदया श्रीमान किशोर जी, महोदया श्रीमती सबीदा जी, हमारे मित्र दर्शना, म्यूजिक के हेतु श्रीमान पवन जी और कला विभाग के अध्यापकों को भी शुक्रिया जिन्होंने यह पोस्टर बनाकर हमारे हिंदी दिवस के प्रोग्राम को और भी आकर्षित किया। आप सबको हमारा शत शत धन्यवाद जिन्होंने अपना सहयोग देकर इस छोटे से कार्यक्रम को सफल बनाया और हम सबको आगे बढ़ने का मौका प्रदान किया। आशा करते हैं कि आप सब से हमारी मुलाकात होती रहे। धन्यवाद।